हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी बस। जस्ट मैंने अभी देखा जो मोस्ट एंटरटेनमेंट मूवी, जो अपकमिंग मूवी है ड्रीम गर्ल 2, जो आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल थी। मतलब एक जब भी रिलीज हुई तो बहुत मजा आ गया मूवी देख के, इतना मजा आ गया। मतलब एक ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी बॉलीवुड में और एक अच्छा फ्रेंचाइजी भी, उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो उसका ट्रेलर फाइनल रिलीज हुआ है और ट्रेलर कैसा है तो अब चलिए जानते हैं। तो बात करें ट्रेलर की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो स्टार्टिंग का सीन है। सबको पता है फर्स्ट पार्ट में जो आयुष्मान लड़की की तरह बात करके बहुत सारे लोग से तो बात करके और पैसे के बारे में पैसा भी ले लेते हैं और बहुत एक कॉल गर्ल के जैसा बात करके और बहुत एक अच्छा एंटरटेनमेंट था। मतलब हमने बहुत देखा तो बहुत मजा आ रहा था। तो उसमें कैसा गर्लफ्रेंड भी थी उनके एक, तो उसके कैसा उसके फादर के थ्रू, मतलब वो सब मिलजुल के, वो सब एक केमिस्ट्री एक अलग ही थी। मतलब एक कॉमेडी तो फुल जनरेट हो रहा था। अभी पार्ट 2 में तो उससे एक लेवल बढ़ के मुझे तो लग रहा है, बिकॉज अनन्या पांडे उसकी गर्लफ्रेंड है और परेश रावल जी से भी उनका मिला हो रहा है। मतलब एक अलग ही, अनु कपूर जी उनके फादर को ऑलरेडी पता है जो हमारे जो बेटा है वो लड़की के साथ बात करके कुछ ना कुछ कर सकता है, तो वो ऑलरेडी उनको पता है। तो वो भी फुल फॉर्म में चल रहे हैं और अभिषेक जी भी है और इसमें असरानी जी भी, मतलब बड़े बड़े स्टार्स है और सब लोग का मिलना, मतलब और किस तरह एक कॉमेडी जनरेट करेंगे वो तो मुझको सोच के फुल एक्साइटेड हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। और एंडिंग में भी, मतलब जो एंडिंग में हमने देखा जो परेश रावल जी का डायलॉग था, इन्होंने बोला सन्नी जी का मूवी तो सन्नी लियोन दिखा रहे थे। मतलब ऐसा एक, मतलब कॉमेडी बहुत, मुझे तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा अच्छा कॉमेडी देखने मिलेगा। मतलब बहुत टाइम के बाद एक कॉमेडी, अभी रिसेंटली बॉलीवुड में इतने मजा मूवी चल रहे नहीं रहे और बहुत टाइम के बाद अभी एक कॉमेडी मूवी आने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा? अगर आपने ट्रेलर देखा तो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।